वेलकम टू वॉट कार इंडिया, जहां हम लेके आते हैं वॉक अराउंड्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस, माइलेज टेस्ट और क्विक न्यूज। फेस्टिव सीजन के तहत ब्रांड्स ने बहुत से स्पेशल एडिशंस और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो चलिए आज हम बात करेंगे इन सभी पर। रेनॉल्ट ने अपने पूरे लाइनअप के लिए डे एंड नाइट स्पेशल एडिशन लॉन्च किए हैं, जिनकी बुकिंग अब शुरू हो गई है। ये स्पेशल एडिशन 1600 यूनिट्स तक सीमित है। काइगर और ट्राइबर अपने बेस RXL वेरिएंट पर बेस्ड है, वहीं क्विड अपने RXL-O वेरिएंट पर बेस्ड है, एंड ये है उनके प्राइसेस। इन सभी को एक्सक्लूसिव ड्यूल टोन पर्ल व्हाइट कलर स्कीम विद ब्लैक रूफ, पियानो ब्लैक व्हील कवर्स, ग्रिल इंसर्ट्स, बैजिंग वगैरह मिलते हैं। काइगर और ट्राइबर को 9 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं और ट्राइबर को रियर पावर विंडोज मिलती है इन एडिशन। मारुति सुजुकी ने वैगनार का नया वॉल्स एडिशन लॉन्च कर दिया है 5.65 लाख रुपीस में। इस लिमिटेड एडिशन में आपको फॉग लैम्प्स, क्रोम गार्निश, 6.2 इंच टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा और भी ऐसे बहुत फीचर्स देखने मिल जाएंगे। फुल प्राइजेस आना अभी बाकी है। टाटा मोटर्स ने अपडेटेड पंच को लॉन्च कर दिया है, जो 6.13 लाख रुपीस से शुरू होती है, लेकिन टॉप एंड का प्राइस 20,000 रुपीस से अब रिड्यूस हो गया है। फीचर्स की बात करें तो प्योर ओ वेरिएंट को सेंट्रल लॉकिंग, पावर्ड विंडोज, पावर्ड ओवर VMs, व्हील कवर्स आदि मिलते हैं। वहीं एडवेंचर एस एंड एडवेंचर प्लस एस ट्रिम्स को एडिशनली सनरूफ और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। अकम्प्लिश्ड प्लस एंड उसके ऊपर के वेरिएंट्स को 10.25 इंच टच स्क्रीन मिलता है एंड क्रिएटिव प्लस एंड क्रिएटिव प्लस एस ट्रिम्स को वायरलेस चार्जर भी मिलता है। Hyundai ने वेन्यू को एक नया एडवेंचर एडिशन दिया है, जो कि 10.15 लाख रुपीस से शुरू होती है और ये SO प्लस, SX एंड SXO ट्रिम्स पर बेस्ड है, जो कि सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इस एडिशन को ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट मिलती है फॉर दी एलॉय व्हील्स, विंग मिरर्स आदि के लिए। साथ ही इसे रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स और एडवेंचर एडिशन एम्बलम ऑन द फ्रंट फेंडर भी मिलते हैं। वही इंटीरियर को ब्लैक्ड आउट थीम विद सेज ग्रीन इंसर्ट्स, स्पॉटी लुकिंग पेडल्स और ड्यूल कैमरा डैश कैम मिलते हैं। होंडा ने एलिवेट का नया एपेक्स एडिशन लॉन्च किया है अपने मिड स्पेक वी और VX ट्रिम्स के लिए, जो कि 12.86 लाख रुपीस से शुरू होते हैं और ये लगभग 15,000 रुपए ज्यादा कॉस्ट करते हैं ओवर द रेगुलर ट्रिम्स। बाहर से इस SUV को पियानो ब्लैक गार्निश सिल्वर एक्सेंट्स के साथ फॉर द फ्रंट एंड रियर बम्पर्स, पियानो ब्लैक डोर गार्निश और एपेक्स एडिशन एम्बलम्स ऑन द फ्रंट फेंडर एंड टेल गेट मिलते हैं। वही इंटीरियर में इसे आइवरी ब्लैक कलर स्कीम्स विद लेदराइट ट्रिम ऑन द डैशबोर्ड एंड द डोर पैड्स भी मिलते हैं विद द एडिशन ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एक्सटीरियर और इंटीरियर पैकेज सेपरेटली ऑप्ट कर सकते हो फॉर 5,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। मर्सिडीज बेंस ने EQS SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है 1.41 करोड़ रुपीज में। EQS अपने फुल्ली लोडेड 580 4MATIC अवतार में सेल की जाएगी, जो कि 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 17.7 इंच टच स्क्रीन, 12.3 इंच फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन, सॉफ्ट क्लोज डोर्स, 15 स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूअल 11.6 इंच रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, ADAS लेवल 2, 9 एयरबैग्स आदि फीचर्स के साथ ऑफर की जाएगी। इसे पावर करती है 122 किलोवाट आर की बैटरी, जो कि अप टू 200 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और ये कंबाइंड 544 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 809 किलोमीटर ऑफ ARAI सर्टिफाइड रेंज। साथ ही ये 0 टू 100 kph 4.7 सेकंड्स के क्लेम टाइम में कर सकती है। BMW ने X7 सिग्नेचर एडिशन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है एट 1.33 करोर्स, जो कि लिमिटेड नंबर्स में प्रोड्यूस की जाएगी। X7 सिग्नेचर एडिशन को क्रिस्टल हेडलैम्प्स और एल्यूमिनियम सैटिनेटेड रूफ रेल्स मिलते हैं ऑन दी आउटसाइड। वहीं इंडिविजुअल लेदर फॉर द इंस्ट्रूमेंट पैनल, यूनिक क्रिस्टल डोर पिंस और अल्कंटारा कुशंस मिलते हैं ऑन दी इनसाइड। फीचर्स पर नजर डालें तो इसे 14.9 इंच टच स्क्रीन, 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, हेडअप डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ और बहुत कुछ मिलता है। इसे सेम 3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन विद 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम पावर करता है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेड है और ये 0 टू 100 kph 5.8 सेकंड्स के क्लेम टाइम में कर सकती है। BMW ने XM लेबल भारत में लॉन्च कर दी है 3.15 करोड़ रुपीस में। ग्लोबली ये लिमिटेड है अप टू 500 यूनिट्स और इसका सिर्फ एक यूनिट इंडिया में लाया जाएगा। XM लेबल को सेम 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन पावर करता है, लेकिन ये 748 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 95 हॉर्स पावर ज्यादा है देन द स्टैंडर्ड XM। 0 टू 100 kph स्प्रिंट ये 3.8 सेकंड्स में कर सकती है।
XM लेबल को रेड एलिमेंट्स मिलते हैं ऑन द किडनी ग्रिल्स अराउंड मॉडल बैजेस व्हील इंसर्ट्स आदि में, साथ ही इसे 22 इंच अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। फीचर्स और सेफ्टी पर ध्यान दे तो इसे 14.9 इंच टच स्क्रीन, 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, हेडअप डिस्प्ले, 20 स्पीकर बावर्स एंड विल्कन साउंड सिस्टम, 6 एयरबैग्स, एक्टिव रोल स्टेबिलाईजेशन आदि मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं टू व्हीलर्स की। रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक RV1 को लॉन्च कर दिया है 84,990 रुपीज में और RV1 प्लस को लॉन्च कर दिया है एट 99,990 रुपीज में। बुकिंग्स भी स्टार्ट हो गए हैं एट 499 रुपीज। RV1 को 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो कि 100 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, वहीं RV1 प्लस को 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो कि 160 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है एंड दोनों को 0-80% चार्ज होने में 2 आवर्स 15 मिनट्स और 3 आवर्स 30 मिनट्स लगते हैं रिस्पेक्टिवली। यामाहा ने अपनी R15M का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है 2.08 लाख रुपीस में, जो कि नए कलर और कार्बन फाइबर ग्राफिक्स के साथ आती है। विजुअल चेंजेस के साथ इसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक एंड वॉल्यूम कंट्रोल वाया यामाहा Y1 ऐप और ड्यूल चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। ट्रायम्फ ने अपडेटेड स्पीड 400 को लॉन्च कर दिया है एट 2.4 लाख रुपीस। इस अपडेट के साथ सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आपको टायर्स में देखने मिलेंगे जो कि अब ज़्यादा थिकर साइडवॉल्स के साथ आते हैं। साथ ही इसे रिवाइज सीट भी मिलती है जो कि 10 मिलीमीटर ज़्यादा थिक है और इसे अब एडजस्टेबल हैंड लीवर्स भी मिलते हैं एज स्टैंडर्ड। इसी के साथ ट्रायम्फ ने नई एंट्री लेवल बाइक स्पीड T4 को भी लॉन्च कर दिया है एट 2.17 लाख रुपीज, जो कि स्पीड 400 से ही डिराइव की गई है। लुक्स में ये स्पीड 400 से काफ़ी सिमिलर दिखती है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जैसे कि सिंपलर टेलीस्कोपिक फोर्क, कन्वेंशनल मिरर्स, सिंपलर एक्सियली माउंटेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर, बेसिक गियर शिफ्ट एंड रियर ब्रेक लीवर्स और चीपर लुकिंग हैंडल बार। इंजन सेम है एज दैट ऑफ स्पीड 400, लेकिन अब ये 31 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है इंस्टेड ऑफ 40 हॉर्स पावर और इसे ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता है। TVS ने अपनी फ्लैगशिप ऑफरिंग RR310 स्पोर्ट्स बाइक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है 2.75 लाख रुपीस से। इस अपडेट के चलते अब ये बाइक 38 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि अपाचे RTR310 के इंजन सेटअप से कैरी किया गया है और फीचर्स जैसे कि क्रूज कंट्रोल और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी उसी बाइक से बोरो किया गया है। साथ ही आप रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सूट ऑप्ट कर सकते हो 16,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके, जो ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल एंड कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल जैसे राइडर एड्स के साथ आता है, और डायनामिक किट भी ऑप्ट कर सकते हो फॉर एडिशनल 18,000 रुपीज, जो फुल्ली एडजस्टेबल KYB फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्रास कोटेड चेन के साथ आता है। BMW मोटर एड ने F900 GS को लॉन्च कर दिया है 13.75 लाख रुपीज में और F900 GSA को लॉन्च कर दिया है 14.75 लाख रुपीज में। बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरीज अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। दोनों बाइक्स को 105 हॉर्स पावर 895cc पैरेलल ट्विन इंजन पावर करता है। इसके साथ दोनों ही बाइक्स को 6.5 इंच TFT डैश मिलता है जो कि राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के साथ आते हैं। साथ ही हीटेड ग्रिप्स भी मिलते हैं एज स्टैंडर्ड। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।